हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहंदी आर्ट। सो मैं हूँ आस्था चौहान एंड मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास वन। आपको किस टाइप से, अगर आप बिगनर हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट किस टाइप से मेहंदी सीख सकते हैं, तो आज हमारी क्लास वन है। एकदम ठीक से देखिएगा, पूरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम फाइनली एक सर्कल किस टाइप से बना सकते हैं। मतलब अगर आप सिंपली एक सर्कल बनाएंगी तो वो किस टाइप से बना सकती हैं। तो हमें बिल्कुल भी मतलब टेढ़ा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है एक अच्छे सर्कल बनाने की। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको देखिए दिखाया है इस टाइप से। इसमें काफ़ी टाइप के आपको छोटे बड़े सर्कल भी बनाने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए इस टाइप से लेयर बनानी है आपको सर्कल की। पहले मैंने एक बिंदी लगाई, देन मैंने एक ऊपर से एक सर्कल, देन ऊपर से एक और सर्कल बनाया। तो अगर आप इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी मेहंदी सीख जाएंगे। पहले आपको ऐसे ही पेंसिल और कॉपी से सीखनी है। देखा आपने कितना डिफरेंस आ गया। देन हम थर्ड में पत्ती वाला फ्लावर बनाना सीखेंगे। पहले आप पेंसिल से ही इसको बार बार ट्राई कीजिएगा, जो भी मैं आपको क्लास वन में सिखा रही हूँ। इस टाइप से आपको ये पत्ती बनानी है। इसको बना के ज़रूर देखिएगा दो से तीन बार। अगर आपसे सही से गोलाई नहीं बनती है, फाइनल आपको जो आपकी पेंसिल है सही से नहीं चलती है, तब तक आपकी कीप भी सही से नहीं चलेगी। तो इस टाइप से आपको बनानी है ये पत्ती। तो ये हमारा एक फूल तैयार हो जाता है बन के। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, हमें सर्कल आ गया, हमें फूल बनाना आ गया, अब एक सीधी लाइन हमें किस टाइप से खींचनी है। क्योंकि जब भी हम मेहंदी लगाते हैं वहाँ पे हमें लाइंस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमें लाइन वो भी बिल्कुल एकदम से सेम डिफरेंस में, मतलब कहीं से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आपको ये लाइन बनानी है और बहुत बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक और फ्लावर, लेकिन पहले पॉइंट, उसके ऊपर एक सर्कल। ठीक है, आप देखिए, आप अगर इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें कम से कम दो से तीन बार प्रैक्टिस करनी है। जब आपका पेंसिल से सही से हो जाएगा, देन हम कोन पे आएंगे। ये देखिए, हमें छोटी पत्ती वाली एकदम बनानी है। ये हमें बहुत यूज होती है मेहंदी लगाने में, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस टाइप से एक और फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम फ्लावर बना रहे हैं जो कि तीन पत्ती टाइप में फ्लावर आता है ये। और इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी थोड़ी बहुत आर्ट अच्छी है तो आप बना सकते हैं, बट अगर आपकी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन इसको बनाते किस टाइप से हैं, जैसे हमने एक हर्ट बनाया लेकिन उसमें टू साइड्स आ गई, तो अब हम थ्री साइड्स से बनाएंगे। तो इस टाइप से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। ऐसे हमने ये बना लिया है। यहाँ पे बनाना सीखेंगे टू साइडेड फ्लावर। ये जितनी भी मैं आपको चीज़ सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है पेंसिल से पेपर पे। क्योंकि आप जब तक इसको पेंसिल से नहीं ट्राई करेंगे तो जब तक आप पे अच्छे से नहीं आएगा। तो ये है हमारे टू साइडेड फ्लावर्स, बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं ये हमारी ड्राइंग में, हमारी मेहंदी डिज़ाइंस में। इसको भी अच्छे से आपको सीखना है कि किस टाइप से बनाते हैं। ये देखिए, बहुत इजी से आपका ये बन जाता है। तो ये हो गया हमारा टू साइडेड फ्लावर। अब अगर हम बात करते हैं इसमें हमारा किस टाइप से आपका लुक आ रहा है, ये देखिए इस टाइप से हम इसको बनाएंगे, बहुत इजी है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसमें, ये देखिए, अब जो मैं बनाने वाली हूँ ना फ्लावर, वो बहुत ही सिंपल है लेकिन वो बहुत यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये जो फ्लावर है जो मैं बनाऊँगी, ये शेडेड मेहंदी में बहुत यूज़ किया जाता है। ये देखिए, इसमें क्या होता है, इसको हम जो इसका अपर पोर्शन होता है उसको काफ़ी ब्रॉड कर देते हैं, एंड जो लोअर पोर्शन होता है उसका अच्छे से नीचे को श्रिंक हो जाता है। लेकिन जो अपर पोर्शन है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है और उसमें बिल्कुल भी मतलब ऊपर की साइड कर्व नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़ हो जाता है, इसकी भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, इस टाइप से आपको बना लेना है ये। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। जैसा कि इस टाइप का जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ, ये आप उल्टा एस बनाएंगे इस टाइप से, देन
ये देखिए मैंने अटैच कर दिया, उल्टा एस बनाने के बाद इसको अटैच कर दीजिए तो ये हमारा बहुत ही अच्छा से डिज़ाइन बन जाता है, और ये हमारा सीधा एस बना के भी बन जाता है, जैसा कि अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने एक एस बनाया, देन इसको ऐसे जॉइंट कर दिया, तो वो हमारा जो हम एक फाइनल अपना एक डिज़ाइन बनाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप से ये डिज़ाइन बनाना है। ये तो हमने बनाया सिंपल, अब हम बनाएंगे इसको अच्छा सा लुक देके, लाइक ऊपर से हमें दो तीन राउंड लेने हैं इस टाइप से एंड डब बनाना है। ये आप दोनों डायरेक्शन से बना सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस टाइप का डिज़ाइन जो है, जैसे मैं बना रही हूँ आपके लिए। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये डिज़ाइन, तो आप इसको काफ़ी बार ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप बनाएंगे बहुत आराम से बन जाता है। ये है, आप अगर इस टाइप से बना देंगे तो ये भी आपका डिज़ाइन काफ़ी यूज़ हो जाता है, इसमें आपको बस बीच बीच में कर्व दे देनी है। तो हमारे ये थे सारे डिज़ाइंस, ये देखिए अगर हम इस साइड से बनाते हैं तो यहाँ से भी आप कैसे बना सकते हैं इसको, इस टाइप से कर्व दे दी थी, तो ये जो डिज़ाइन है ये हम दोनों साइड से बना सकते हैं, बट हमारा जो एक पूरा पैटर्न है, डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंग कैसे जाएगा वो हमें देख लेने हैं सभी डिज़ाइन। जैसे कि ये है शुरू के हैं, आपको सर्कल देखना है, देन लाइनिंग देखनी है ध्यान से, देन आपको फ्लावर, छोटे फ्लावर, बड़े फ्लावर, वो किस टाइप से बनाए हैं ये सब देखने हैं। यहाँ पे जो है आपको मैंने जैसे दिखाया है कि किस टाइप से आपको कर्व लेना है, किस टाइप से फ्लावर बनाने हैं, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट आ गया है। ये देखिए मतलब ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आप इसको ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारी क्लास फर्स्ट आई विश बहुत अच्छी लगी होगी आपको। ये सभी डिज़ाइन आपको देखने हैं, मैंने बहुत ही ईजिली आपको बताया है, आई विश आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, साथ ही साथ में मेहंदी आर्ट के चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।